हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ के चलते प्रदेश का कितना नुकसान हुआ है इसका बयां करना मुश्किल है, लेकिन बाढ़ ने एक सबक भी दिया है कि कैसे बाढ़ से हो रहे नुकसान से बचाया जाए, जिसे अब सरकार को भी इस दिशा में गंभीरता से काम करना चाहिए ताकि आने वाले समय में बाढ़ के चलते करोड़ों रुपए का नुकसान न उठाना पड़े। यही बात हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुरनाम सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि जिला कुल्लू के सैंज में भी पार्वती परियोजना और UPPCL परियोजना के द्वारा बड़ी लापरवाही बरती गई है, जिसके चलते आज सैंज का बाजार तबाह हो गया। वहीं जब उन्होंने लोगों से मुलाकात की तो पता चला कि सैंज नदी का पानी छोड़े जाने से ही सैंज के लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि वह दोनों परियोजनाओं के R&R प्लान के माध्यम से प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर भेज सके। इस बात को प्रदेश सरकार को सुनिश्चित करना होगा। तो जानकारी मिली कि पहले सैंज डैम ने पानी छोड़ा, उसके बाद जो है पार्वती फेज टू ने पानी छोड़ा, फेज थ्री ने, और वो पानी एकदम से आया और उनके घर बह गए, ये लोगों ने कहा। और उसके बाद जो उनका अलार्म सिस्टम है वो जब आधे घर बह चुके थे तब जाके माइक से कुछ अनाउंसमेंट कर रहे थे। मैं वहाँ जब साइट पे गया तो देखा कि सहज में जो पूरा एक साइड है वो तो सारी बह गई है, दूसरी साइड में थोड़े से घर बह गए हैं, परंतु नदी इतनी ऊपर आ गई है, पत्थर इतने आ गए हैं, अब वो उसका फ्लड जोन बढ़ गया है। दूसरा सैन में एक और खतरा, कल भी उनसे बात करने के बाद समझ आई कि अब तो पार्वती का पानी भी आएगा सैन में, अगले साल तक पहुंच जाएगा वो। तो सैज नदी में आज जो पानी जीवन नाला और कुछ और सैन का नाला का पानी है, उसमें पार्वती का पानी होगा तो चार गुना ज्यादा पानी हो जाएगा, और उससे निश्चित तौर पर पूरे सैन बाजार को खतरा है। आज भी जो लोग बह गए हैं बेचारे, उनका पुनरावास पुनर्स्थापना का गवर्नमेंट तो कंपनसेशन ही दे सकती है, वो लाख रुपया दे देगा, परंतु इनका पुनरावास पुनर्स्थापना होना चाहिए R&R प्लान के तहत। क्यों? क्योंकि ये सैंज प्रोजेक्ट और पार्वती प्रोजेक्ट के परिणाम स्वरूप ये नुकसान हुआ है, और आगे भी मैं सोचता हूँ कि सैंज के तमाम बाजार को खतरा होगा भविष्य में, और वो फिर से फ्लड लाइन को देखा जाए, ऑप्टिमम फ्लड लाइन क्या है, इसकी स्टडी हो, अध्ययन हो, और उसके बाद नीचे तक तलाड़ा तक देखा जाए कि कहाँ कहाँ नुकसान होने की संभावना है, उस एरिया को एक्वायर करके उनको रिहैबिलिटेट करें, उनको पुनर्वास पुनर्स्थापना का पूरा पैकेज दिया जाए, तभी जाके उन लोगों का भला हो सकता है। आपको बता दें कि बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन करना मुश्किल है, वहीं सैंज का बाजार भी बाढ़ की चपेट में आ गया था। वहीं गुरनाम सिंह ने बताया कि भविष्य में भी सैंज बाजार को दो परियोजनाओं के चलते खतरा हो सकता है। पंजाब के सिटी के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।